हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिन्हा फैमिली। तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आगे ऐसे और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको पैटर्न को बनाने के लिए हम यहाँ पर चेन लेंगे। तो चेन को हम 14 करके गिन के लेंगे, ठीक है। 14 चेन लेंगे प्लस 14 चेन प्लस 14 चेन, ऐसे करके हम यहाँ पे लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। लेने के बाद हम लास्ट में एक और चेन लेंगे, ठीक है। चेन लेने के बाद जो दूसरा लूप है उसमें हम सिंगल क्रोचेट लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हर एक लूप के अंदर से हम यहाँ पे एक एक करके सिंगल क्रोचेट लेते जाएंगे। तो हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोचेट होगा। लास्ट तक हम इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे इस रो को। तो देखिए हर एक लूप के अंदर एक एक करके सिंगल क्रोचेट होगा। तो आप इसको 14 करके गिन के आप यहाँ पे चेन ले लेना। लास्ट में एक चेन लेंगे, फिर हर एक चेन में एक एक करके सिंगल क्रोचेट होगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसके बाद हम अभी दूसरा रो स्टार्ट करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी, 3 और ये 4। 4 चेन लेने के बाद हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोचेट लेंगे, ठीक है, एक बार। और ये दो बार मैंने कांटे में धागे को घुमाया। फिर हम जहाँ पे हम लोगों ने 4 चेन लिया है उसी लूप के अंदर हम एक ट्रिपल क्रोचेट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं कांटे को अंदर डाल के फिर ये धागे को निकालूंगी। फिर ये एक बार, दो बार, ये 3 बार, दो दो करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोचेट हुआ, 4 चेन प्लस एक ट्रिपल क्रोचेट, ठीक है। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद हम यहाँ पे 4 बार धागे को घुमाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। 4 बार घुमाएंगे। घुमाने के बाद हम यहाँ पे जो 7 नंबर का जो लूप है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो 7 नंबर का लूप है वहाँ पे हम इसको यहाँ पे पांचवा ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। 5 ट्रिपल क्रोचेट, 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5, ठीक है। तो हुआ ना यहाँ पे 5वां ट्रिपल क्रोचेट। तो देखिए यहाँ पे इसको बनाने के बाद हम यहाँ पे एक पफ बनाएंगे, उसी में धागे को थोड़ा खींच के फिर यहाँ पे हम 4 बार धागे को ऐसे घुमा के लेके आएंगे इस तरह से। देखिए 4 बार घुमाने के बाद धागे को मैं सारे लूप के अंदर से निकाल दूंगी इस तरह। फिर एक चेन, ये, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको 5 बार बनाएंगे सेम लूप के अंदर, ठीक है। सेम हम 1, 2, 3, 4, 4 बार धागे को घुमाया। फिर हम जहाँ पे बनाया था उसी के अंदर, उसी लूप के अंदर देखिए इस तरह से धागे को निकालेंगे खींच के कांटे से। फिर ये 1 बार 2 बार 3 4 और ये 5, ये गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ना 5 क्रोचेट एक साथ। तो इसके बाद हम यहाँ पे फिर से धागे को थोड़ा खींचेंगे और 4 बार यहाँ पे हम धागे को ऐसे खींच के निकालेंगे इसके अंदर से। तो यहाँ पे एक पफ बनाना है हमें। फिर धागे को सारे लूप के अंदर से ऐसे निकालेंगे और फिर यहाँ पे एक चेन, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 बनाया, बाकी 3 हम अभी यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। सेम प्रोसेस में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। फिर सेम लूप के अंदर से हम इसको खींच के ऐसे 5 बार, दो दो धागे के अंदर से हम निकालेंगे एक बार में। ये देखिए दो दो करके मैं निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 5 बार बनाएंगे इसको, ठीक है। ये मैं तीसरा बना रही हूँ, फिर चौथा, फिर 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 बार इसको बना के रेडी कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो पैटर्न है ये बहुत ही इजी और खूबसूरत पैटर्न है। तो चलिए हम इसको 5 बार बना के रेडी कर लेते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको पांच पर बना लिया है। देखिए एक दो तीन चार पाँच, ठीक है मैंने इसको पांच पर बना लिया है। बनाने के बाद हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, ठीक है एक चेन लेने के बाद हम यहाँ पे कांटे को सॉरी धागे को कांटे में दो बार घुमाएंगे क्योंकि ट्रिपल क्रोचेट बनाना है हमें यहाँ पे। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, जो सात नंबर का लूप है उसमें हम एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है धागे को कांटे में दो बार बनाए घुमा के फिर हम इस तरह से बनाएंगे। जब ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे तो दो बार घुमाएंगे, जब पांच क्रोचेट बनाएंगे तो चार बार घुमाएंगे, ठीक है फिर एक चेन लिया फिर उसी के अंदर एक और ट्रिपल क्रोचेट, ठीक है सात नंबर लूप पे हम लोगों ने एक ट्रिपल क्रोचेट बनाया फिर एक चेन फिर उसी के अंदर एक और ट्रिपल क्रोचेट। तो देखिए इस तरह से हमें इसको आगे कंटिन्यू करके जाना है सेम प्रोसेस में, ठीक है मैं एक और बार आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कांटे को धागे में चार बार घुमाऊँगी, ठीक है चार बार घुमाने के बाद जो सात नंबर का लूप है तीन चार पाँच छः सात, ठीक है जो सात नंबर का लूप है उसके अंदर हम यहाँ पे धागे को इस तरह से लेके फिर पांच बार इसको निकालेंगे, एक बार दो बार तीन चार और ये पांच, ठीक है पांच बार लेने के बाद हम यहाँ पे एक पफ बनाएंगे, धागे को थोड़ा खींचेंगे फिर इसको इसी के अंदर से हम यहाँ पे धागे को चार बार निकालेंगे, ठीक है निकालने के बाद यहाँ पे इसको सारे लूप के अंदर से इसको हम कांटे को खींच के ऐसे निकालेंगे, सारे लूप के अंदर से इसको निकालेंगे। निकालने के बाद एक चेन लेंगे यहाँ पे, ठीक है देखिए इस तरह से। तो ये पफ हो गया, सेम प्रोसेस में है मैं यहाँ पे पांच बार बनाऊंगी। ये देखिए फिर से चार बार धागे को घुमाया फिर सेम लूप के अंदर से निकालेंगे और पांच बार हम इसको निकालेंगे, एक बार दो बार, तो मैं हर बार यहाँ पे दो दो करके धागे को एक साथ निकाल रही हूँ, ठीक है तो यहाँ पे मैं पाँच बार निकालूंगी फिर यहाँ पे हम फिर से एक पफ बनाएंगे तो धागे को थोड़ा खींचेंगे और फिर यहाँ पे हम पाँच बार चार बार इसको धागे को ऐसे करेंगे और फिर इसको सारे लूप के अंदर से हम ऐसे खींच के निकाल लेंगे कांटे को धागे के समेत, ठीक है इस तरह से। फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, तो हो गया यहाँ पे दो बार मैंने बना लिया। सेम प्रोसेस में मैं यहाँ पे टोटल पांच बार बनाऊंगी, तो दो बार बना लिया बाकी तीन बार मैं यहाँ पे बना के रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से सेम प्रोसेस में हमें यहाँ पे पाँच बार बनाना है, ठीक है देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको लास्ट तक ऐसे बना के रेडी कर लिया है। लास्ट में मैंने देखिए यहाँ पे दो ट्रिपल क्रोचेट बनाए बीच में एक चेन का गैप रख के, ठीक है सात लूप को हम स्किप करते हुए सात नंबर लूप पे बना के जाएंगे, ठीक है तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम दूसरा लाइन के लिए एक चेन लेंगे, लेने के बाद इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद ये जो हमने दो ट्रिपल क्रोचेट बनाया था बीच में एक चेन था उसी चेन के अंदर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट लेंगे इस तरह से। एक चेन लेने के बाद इसको टर्न करके यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट लेंगे। तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पे छः चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः चेन लेने के बाद हम यहाँ पे सेम जगह पे हम यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, एक बार दो बार और ये तीन बार। तो यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोचेट बना लिया, ठीक है छः चेन लिया फिर एक ट्रिपल क्रोचेट। इसके बाद हम यहाँ पे एक छः चेन लेंगे फिर से, दो तीन चार पाँच और ये छः, छः चेन लेने के बाद ये जो हम लोगों ने पाँच बनाया है, ठीक है इसमें हम जो एक और ये दो, एक दो, दो के बाद हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट लेंगे। छः चेन लेने के बाद दो को स्किप करेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट लेंगे इस तरह से देखिए। फिर हम यहाँ पे ठीक है फिर हम यहाँ पे तीन चेन लेंगे, पांच बनाया है ना हमने तो दो को जब स्किप करके बनाएंगे तो छः चेन लेंगे सिंगल क्रोचेट फिर तीन चेन फिर एक के बाद एक सिंगल क्रोचेट, ठीक है फिर से यहाँ पे छः चेन तीन चार पाँच छः, ठीक है छः चेन लेने के बाद ये देखिए एक दो, दो को स्किप करके हम क्या करेंगे अभी एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ये जो हम लोगों ने पहले जो दो ट्रिपल क्रोचेट बनाया है इसके बीच में हम यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, देखिए इस तरह से फिर एक चेन
फिर सेम उसी जगह पे एक और ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे आगे। छः चेन बनाएंगे, छः चेन लेंगे, फिर दो को स्किप करेंगे। देखिए यहाँ पे छः चेन लेंगे, ठीक है, फिर दो को स्किप करेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट, दो के बाद एक सिंगल क्रोचेट, फिर तीन चेन, फिर एक के बाद सिंगल क्रोचेट, फिर छह चेन, फिर हम ये जो दो ट्रिपल क्रोचेट है दो के बाद इसमें हम दो ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे बीच में एक चेन का गैप रखते हुए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे लास्ट तक। तो देखिए यहाँ पे हमने पांच बनाया था ना, तो पांच के लिए हम यहाँ पे छह चेन लेंगे, फिर दो के बाद एक सिंगल क्रोचेट, फिर तीन चेन, फिर एक को एक के बाद सिंगल क्रोचेट, फिर छह चेन, फिर जो ट्रिपल क्रोचेट है उसके बीच में दो ट्रिपल क्रोचेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं फिर से छह चेन लूँगी। ठीक है, छह चेन लेने के बाद ये दो के बाद हम यहाँ पे सिंगल क्रोचेट लेंगे इस तरह से, फिर तीन चेन, क्योंकि बीच में जो है उसमें हम एक के बाद लेंगे ना सिंगल क्रोचेट, तो वहाँ पे तीन चेन लेंगे और फिर ये सिंगल क्रोचेट, फिर से छः चेन, फिर से जो दो ट्रिपल क्रोचेट है उसके बीच में हम दो ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे बीच में एक चेन का गैप रखते हुए। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना के रेडी कर लिया है, ये लास्ट तक मैंने बना लिया है सेम प्रोसेस में। ठीक है, इसके बाद हम अभी दूसरा रो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो बीच में तीन चेन का गैप रखा था उसी में हम अभी दूसरे लाइन में बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक चेन लूँगी दूसरा रो स्टार्ट करने के लिए, फिर इन दोनों के बीच में एक सिंगल क्रोचेट, दो ट्रिपल क्रोचेट के बीच में एक सिंगल क्रोचेट। ठीक है, इस तरह से फिर हम यहाँ पर छः चेन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। ठीक है, छः चेन लेने के बाद हम अभी यहाँ पे चार बार धागे को घुमाएंगे, चार बार। ठीक है, सेम जहाँ पे छः चेन लिया है उसी जगह पे हम ये पांच क्रोचेट बनाएंगे, धागे को ऐसे खींच के निकालेंगे जैसे पहले बनाया था। फिर हम इसको एक बार, ये दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांच बार। ठीक है, पांच क्रोचेट हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर एक पफ बनाएंगे, पफ के लिए हम धागे को चार बार ऐसे खींच के निकालेंगे। ठीक है, और ये चार, फिर हम सारे लूप के अंदर से धागे को निकालेंगे, फिर एक चेन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम सेम प्रोसेस में एक और बना लेंगे, यहाँ पे चार बार धागे को घुमाएंगे, सेम जगह पे हम इसको एक और बार बना लेंगे, पांच बार हम अभी खींचेंगे धागे को, एक बार, दो, तीन, चार, ये पांच। ठीक है, यहाँ पे हम एक पफ बनाएंगे, धागे को चार बार यहाँ पे खींचेंगे, एक बार, दो, तीन और ये चार। ठीक है, फिर हम धागे को सारे लूप के अंदर से निकालेंगे, एक चेन हुआ। तो देखिए यहाँ पे मैंने छः चेन लिया, फिर ये जो हमने यहाँ पे पफ बनाया इसको मैंने दो बार बनाया, फिर एक चेन। ठीक है, फिर हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमने बीच में जो तीन चेन का गैप रखा था, ठीक है, तीन चेन लेने के बाद हम लोगों ने सिंगल क्रोचेट लिया था, उसी तीन चेन के अंदर हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, एक बार ट्रिपल क्रोचेट, फिर एक चेन, फिर सेम जगह पे एक और ट्रिपल क्रोचेट। तो दो ट्रिपल क्रोचेट हमने यहाँ पे बनाया है बीच में एक चेन का गैप रखते हुए। ठीक है, देखिए इस तरह से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सेम प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चेन लिया, फिर धागे को चार बार घुमाएंगे, फिर ये जो हम पफ बना रहे हैं इसको हम पांच बार यहाँ पे बनाएंगे, जो ये हमने दो ट्रिपल क्रोचेट बनाया है इसके बीच में हमें पांच बार बनाना है इसको सेम प्रोसेस में जैसे पहले बनाया था। पांच बार हम इसको खींच के निकालेंगे इस तरह से, यहाँ पे हम पफ बनाएंगे अभी। सेम प्रोसेस में मैं यहाँ पे पांच बार इसको बनाऊंगी पांच टाइम, तो ये जो पत्ते का डिज़ाइन है ये यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं आगे ऐसे और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आई होप आप सभी को ये पैटर्न पसंद आएगी।
तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको पांच बार बना लिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांच बार बना लिया है यहाँ पे। तो इसको हम सेम प्रोसेस में कंटिन्यू करते जाएंगे। तो देखिए इसको बनाने के बाद ये जो पत्ता है, देखिए ये एक के ऊपर एक होगा ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, लेने के बाद हम यहाँ पे अभी ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। ये जो बीच में हम लोगों ने तीन चेन का गैप रखा था उसमें ट्रिपल क्रोचेट होगा, ठीक है, एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर बीच में एक चेन का गैप और फिर एक और ट्रिपल क्रोचेट, तो दो ट्रिपल क्रोचेट होगा, बीच में एक चेन का गैप होगा, ठीक है, इस तरह से। देखिए इस तरह से फिर हम ये जो पांच क्रोचेट है इसको बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर धागे को यहाँ पे चार बार घुमा के, देखिए इस तरह से सेम हम अभी बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है सेम प्रोसेस में। लास्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ लास्ट में हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक चेन लेने के बाद हम यहाँ पे, ठीक है, ये जो पांच क्रोचेट है इसको बनाएंगे, धागे को चार बार घुमाया, घुमाने के बाद यहाँ पे हम इसको पांच बार निकालेंगे, एक बार, दो बार, तीन, चार, ये पांच, ठीक। फिर हम यहाँ पे एक पफ बनाएंगे, तो इसको हम, ये जो पफ बना रहे हैं इसको हम दो बार बनाएंगे, ठीक है, दो पफ बनाएंगे इसमें, ठीक है, एक चेन ये हो गया, फिर एक और बार इसको सेम प्रोसेस में, तो ये इसको हम दो बार ही बनाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको दो बार बना लिया है, बनाने के बाद हम यहाँ पे चार बार इसको धागे को घुमाएंगे, फिर ये पांच क्रोचेट एक बार और बना लेंगे, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ये पांच। यहाँ पे हम पफ नहीं बनाएंगे लास्ट वाले में, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो लाइन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए ये जो पैटर्न है बहुत ही ईजी और खूबसूरत सा पैटर्न है, ये आप इसको बना सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं यहाँ पे एक चेन लूँगी, फिर इसको पलट देंगे, पलटने के बाद हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट लेंगे, ठीक है, सिंगल क्रोचेट लेने के बाद हम यहाँ पे छह चेन लेंगे इस तरह से, फिर ये जो ट्रिपल क्रोचेट हमने बनाया है इसके ऊपर हम फिर से ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे दो बार, बीच में एक चेन का गैप रखते हुए इस तरह से, ठीक है, एक बना लिया, फिर एक चेन, फिर एक और ट्रिपल क्रोचेट सेम जगह पे, ठीक है, इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से छह चेन लेंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, छः चेन लेने के बाद हम यहाँ पे जैसे पहले बनाया था ये दो को स्किप करके हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट लेंगे, दो के बाद हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट लेंगे, फिर तीन चेन, फिर एक के बाद सिंगल क्रोचेट, फिर छः चेन, फिर हम अभी जो ट्रिपल क्रोचेट है उसके ऊपर दो ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, बीच में दो चेन का गैप, सॉरी, बीच में एक चेन का गैप रखते हुए यहाँ पे हम दो ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे इस तरह से, एक चेन, फिर एक और ट्रिपल क्रोचेट, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, देखिए इस तरह से फिर से छह चेन, फिर दो के बाद सिंगल क्रोचेट, दो पफ के बाद सिंगल क्रोचेट, फिर तीन चेन, फिर एक के बाद सिंगल क्रोचेट, फिर छह चेन, फिर दो ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर दो ट्रिपल क्रोचेट, बीच में एक चेन का गैप रखते हुए, ठीक है। तो इसको हम सेम प्रोसेस में कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको लास्ट तक बना लिया है, ठीक है, सेम प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में छह चेन लेंगे लेने के बाद, ठीक है, ये जो हमने दो पफ बनाया और फिर एक पाँच क्रोचेट बनाया था, तो दो पफ के लास्ट में हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एक और सिंगल क्रोचेट लेंगे, तो यहाँ पे हमने दो सिंगल क्रोचेट लिया, तो देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे चार चेन लेंगे,
पे इसको पलट देंगे, फिर उसी जगह पे हम एक ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। जहाँ पे चार चेन लिया था उसी जगह पे हम एक और ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर ये जो पांच क्रोचेट है इसको बनाएंगे। ये जो दो ट्रिपल क्रोचेट बनाया है इसके अंदर हम यहाँ पे ये जो पांच क्रोचेट है इसको बनाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे पांच क्रोचेट बना के हम जो पफ बना रहे हैं, ये पफ वाला हम यहाँ पे पांच बार बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम एक पफ बनाएंगे। अभी पांच क्रोचेट बनाने के बाद यहाँ पे पफ बनाएंगे सेम जैसे पहले बनाया था। फिर उसी पत्ते को ये हम यहाँ पे बना के रेडी करेंगे। पांच टाइम बनाएंगे हम इसको। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे इसको पांच बार बना के रेडी कर लूँगी। दो बार बना लिया, बाकी तीन बार हम यहाँ पे बना के रेडी कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसको पांच बार बना लिया है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको सेम प्रोसेस में आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पत्ते हैं ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक दो, ये क्रॉस में जाएगा। ठीक है, ऐसे करके एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पे पत्ता होगा, फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह से दो के बीच में ऊपर होगा एक, फिर दो के बीच में ऊपर एक होगा, इस तरह से होता जाएगा। तो यहाँ पे हम पत्ता बनाने के बाद यहाँ पे ये जो बीच में तीन चेन का गैप रखा था वहाँ पर हम ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। दो ट्रिपल क्रोचेट, बीच में एक चेन का गैप रख के ये एक ट्रिपल क्रोचेट, फिर एक चेन, फिर सेम जगह पे एक और ट्रिपल क्रोचेट, इस तरह से। ठीक है, फिर एक चेन, फिर हम यहाँ पे जो पांच क्रोचेट बना रहे पफ बना के उसको पत्ते को हम यहाँ पे बनाएंगे। ये जो दो ट्रिपल क्रोचेट बनाया है इसके अंदर हम यहाँ पे पांच टाइम बनाएंगे इसको, तो ये जो पत्ता है ये बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इस पूरे डिज़ाइन को आप जितना चाहो उसी लेंथ के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसको तीन बार बना के रेडी कर लिया है। तो देखिए ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है और बहुत ही इजी है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आगे आप सभी के साथ ऐसे और भी वीडियो और ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न आगे और भी खूबसूरत सा पैटर्न मैं शेयर करती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को शुक्रिया।